प्रदेश में बेरोजगारी दूर न होने पर भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने धरना देना शुरू कर दिया है और प्रदेश में डफली बजाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। प्रदेश सरकार के बेरोजगारी, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा हमीरपुर ने गांधी चौक पर 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया की अगुवाई में नौजवान धरने पर बैठे हुए हैं। मनकोटिया ने कहा कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने की बजाय बढ़ा रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेना भर्ती कोटा दिया जाए और चेताया है कि आने वाले समय में नौजवान सभा बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को घेरेगी। हमीरपुर गांधी चौक पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए युवाओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना गुबार निकाला। भारतीय जनवादी सभा के पदाधिकारियों ने रोष जताते हुए प्रदेश सरकार को रोजगार दिलाने के नाम पर छल करने का आरोप लगाया। सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज खुद मुख दर्शक बने हुए हैं। काफी लंबे समय से जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, बहुत उम्मीद थी, एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश के अंदर हुआ था। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था, लोगों ने उसका गुस्सा जो है, जो बेरोजगारी थी, उसके खिलाफ वोट किया था और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। और उनके जो चुनाव से पहले अगर आप भाषण सुनेंगे, उसमें सीधे तौर पर जो उन्होंने नौजवानों के साथ बहुत बड़ा वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन आज 4.5 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि रोजगार देना तो दूर की बात, बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं और मोदी सरकार जो है नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। एक बहुत बड़ी नाकामी भी मोदी सरकार की रही है। साथ साथ एक बहुत बड़ा जो मसला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 1980 से पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक स्पेशल भर्ती कोटा सेना के अंदर हिमाचल के नौजवानों को होता, हम देखते हैं कि इससे पहले बहुत ज़्यादा नौजवान जो है वो सेना में भर्ती होते थे, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो स्पेशल भर्ती कोटा हिमाचल प्रदेश का खत्म किया और आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नौजवान जो है वो सेना में भर्ती होने का बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन वो भर्ती कोटा कम होने की वजह से जो है बहुत कम नौजवान जो है वो सेना में भर्ती हो पा रहे हैं। हमारी ये भी मांग है कि हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल जो भर्ती कोटा है उसको जो है वो केंद्र की मोदी सरकार बहाल करे और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर नौजवान सभा की तरफ से जितने भी जो छात्र नौजवान हैं उनको लामबंद करते हुए 2-3-4 महीनों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है नौजवान सभा की तरफ से करेंगे। जितने भी जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, जो ठेका प्रथा पर नौकरी कर रहे हैं, जिनको जो है बहुत कम तनख्वाह, उनका जो शोषण जो हो रहा है उनको भी लामबंद करते हुए, जो नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं उनको आने वाले समय के अंदर जो सरकार की नौजवान विरोधी नीतियां हैं उनके बारे में बताते हुए सारे नौजवानों को लामबंद करते हुए हजारों हजार नौजवान जो है आने वाले समय के अंदर इस केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है सड़कों पर उतरेंगे। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, लगातार 24 घंटे का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलेगा, उसमें अलग अलग जगह से, जिला के अलग अलग कोने से जो है नौजवान अलग अलग समय पर यहाँ पर हाजिरी देंगे। इस धरने को कामयाब बनाने के लिए जो है बहुत सारे नौजवान इस धरने के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जी मैं नौजवान सभा जो पेट्रोल डीजल की जो लगातार जो सरकार का जो नियंत्रण जो एक समय पर होता था पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, अब सरकार की खुद स्टेटमेंट और रविशंकर प्रसाद का हम स्टेटमेंट सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारा नियंत्रण नहीं है। और एक समय था जब वो अपोजिशन में तो खुद साइकिल लेकर वहां पर वो निकले थे, जब पेट्रोल डीजल का जो नौटंकी यहाँ गांधी चौक पर भी हम देखते हैं भाजपा के लोग जो हैं बड़े बड़े जो बैनर लेकर महंगाई के विरोध में लड़ते थे, लेकिन आज वो सारे पता नहीं कौन से बिल में छुप गए हैं। आज जरूरत है कि समाज का हर तबका जो है इस पेट्रोल डीजल की और रसोई की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं और इस महंगाई को कम करने को लेकर जाए सभी लोग लामबंद हों। DYFI ऐसा कोई प्रदर्शन करेगा गांधी जो है लगातार मुख्यतः जो नौजवानों के जो मसले हैं उनको लेकर नौजवानों को लामबंद कर रही है। उसके साथ समाज के अंदर महंगाई नहीं, उसके अलावा जितनी भी जो सरकार की जो नौजवान विरोधी जन विरोधी जो नीतियां हैं उनको लेकर तमाम लोगों के पास गांव-गांव के अंदर जाकर जो है लोगों को लामबंद करेंगे और सरकार के खिलाफ जो है लोगों को लामबंद करेंगे।